नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। हमारे कल्चर में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं या जो भी रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, उन सब के पीछे देर इज अ साइंस और देर इज अ लॉजिक। आज मैं आपसे बात करूंगी देव उठनी एकादशी की। एज पर द माइथोलॉजी, इस दिन जो है विष्णु भगवान अपनी 4 महीने की नींद पूरी करके उठे थे। तो जैसे इसका नाम भी सजेस्ट करता है, देव उठानी, और ये होता है एकादशी वाले दिन। हमारे शास्त्रों में, खास करके पुराण में, एकादशी के दिन को और एकादशी के दिन किए गए व्रत को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोग या आपके घर में फैमिली मेम्बर्स जो है एकादशी का व्रत जो है वो फॉलो करते हैं। तो क्यों करना चाहिए एकादशी का व्रत? देखिए, जैसे कि एकादशी शब्द जो है वो एकादश से बना, एकादश का मतलब होता है 11। तो 11 क्या चीजें हैं जो पुराण में मेंशन करी गई हैं एकादशी को लेके? 11 चीजें हैं, 5 हैं उसमें ध्यान इंद्रियां। ध्यान इंद्रियां क्या होती हैं? जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे कि हम दुनिया को फील करते हैं, जिसमें जैसे हमारा सेंस ऑफ टेस्ट है, विजन है, देखना हुआ, स्मेल है, ऐसे जो है हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। उसके अलावा है 5 काम इंद्रियां। काम इंद्रियां कौन सी? जिससे कि हम बॉडी की फंक्शनिंग करते हैं, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। वो है जैसे हमारे हाथ, जैसे हमारे पैर, हमारी जुबान, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ऐसे जो है ये जो है 5 जो है हमारी काम इंद्रियां हैं। तो 5 और 5 10। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 11वीं चीज है, वो है हमारा माइंड, हमारा मन। जो माइंड है वही जो है इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और जब हम अपने मन को और इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकेंगे, तो हमारे जीवन में जो षड रिपु हैं, षड रिपु कौन से होते हैं? षड रिपु यानी कि 6 नेगेटिविटीज, 6 नेगेटिव पॉइंट्स, कौन से हैं वो? वो हैं मोह, माया, लोभ, मद। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो जैसे कि एंगर, जेलसी, डिजायर, ईगो। तो हमें जो है इन 6 चीजों को अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तो इन 6 चीजों पे जो है हम विक्ट्री पा सकते हैं और हम अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से जी सकते हैं। वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ। चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये मैंने आपको कई बार पहले अपनी वीडियोस में बताया है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। और जो मून की ग्रेविटेशनल पुल है, मून की ग्रेविटेशन पुल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पूरे समुद्र को जो है वो हिला देती है। जो हाई टाइड्स होती हैं वो जनरली जो है फुल मून वाले दिन ही होती हैं। हमारी जो बॉडी है उसमें 72% वाटर होता है, तो जो मून की रेज हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो हमारी वाटर कंटेंट पे होता है। अब एकादशी वाले दिन ये कहा जाता है कि जो अनाज जो है खास करके नहीं खाएं, खास करके चावल जो है वो बिल्कुल मना किए जाते हैं। क्यों मना किए जाते हैं चावल खाना? क्योंकि चावल में जो है वाटर कंटेंट बहुत होता है। चावल देखिए पानी में ही बनते हैं, तो चावल जो है उसका वाटर कंटेंट जो है वो बहुत हाई होता है। तो यदि उस दिन, और इसीलिए एकादशी का व्रत निर्जला भी कहा जाता है, मतलब उस दिन पानी भी आप कंज्यूम ना करें, इसीलिए क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो मून की रेज और हमारे अंदर के जो वाटर कंटेंट है उससे है। मून की रेज और जो वाटर कंटेंट है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी थिंकिंग और हमारे थॉट प्रोसेस से है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन जो है निर्जला व्रत रखें या चावल तो कम से कम बिल्कुल कंज्यूम ना करें, क्योंकि वो हमारे थॉट प्रोसेस पे इम्पैक्ट करेगा। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपका जो है विल पावर स्ट्रांग होती है, आप अपने माइंड पे और जैसा मैंने कहा अपनी इंद्रियों पे जो है अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। ऑल्सो ये देखा भी गया है कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। क्योंकि जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हमारे कल्चर में फास्ट जिन पर्टिकुलर डेज रखने के लिए कहा गया है, उसका कनेक्शन जो है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्लस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और हमारी हेल्थ से भी कनेक्शन उसका बहुत स्ट्रांग बनता है। अब एकादशी का व्रत रखने का सही तरीका क्या है? देखिए, ये जो व्रत है वो दशमी से, मतलब एकादशी से एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो दशमी वाले दिन जो है वो उस दिन एक ही मील आप खाएं। अभी आप चूज करें, चाहे आप डिनर लें, चाहे ब्रेकफास्ट लें, चाहे लंच लें। फिर एकादशी वाले दिन पूरे दिन जो है आपने कोई भी अनाज नहीं खाना है, और यदि आपकी हेल्थ परमिट करती है और अगर आप कर सकते हैं तो पानी भी उस दिन ना पिए। फिर उसके अगले दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन भी एक मील ही आपने खाना है। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ ये सही तरीका है इस
एकादशी के व्रत को करने का, पर जैसा आपकी हेल्थ अलाउ करे, जैसा आप कंफर्टेबल हो उस तरह से ये व्रत करें। सो ये इंपॉर्टेंस है, ये रीजन है कि जी एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन विष्णु जी की पूजा होती है, तुलसी की भी पूजा इस दिन की जाती है, खास करके देवउठनी एकादशी वाले दिन, जिस दिन हम तुलसी विवाह भी करते हैं, क्योंकि तुलसी जो है विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। तो इस दिन जो है तुलसी के आगे दिया तो जरूर ही जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करें। फ्रेंड्स, हमारे कल्चर में जैसा मैंने शुरू में कहा था, जो भी चीज़ें फॉलो की जाती हैं उन सब के पीछे लॉजिक और हम सब के पीछे कारण है। मैं अपने वीडियोस के थ्रू यही कोशिश करती हूँ कि जो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं या जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उन सबको मैं क्लियर कर सकूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।